हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका। मेरे चैनल राजस्थानी शुद्ध रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं मालपुआ बनाने की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मालपुआ बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया एक बड़ा सा बर्तन, उसमें मैं डाल रही हूँ एक कटोरी आटा। वैसे तो ये मालपुए मैदे से बनते हैं, मैं आपको आज बताऊंगी आटे से मालपुआ बना के। तो यहाँ मैंने एक कटोरी आटा लिया है, जो हम नॉर्मल घर में यूज करते हैं वही आटा है। उसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 4 चम्मच सूजी। अगर आप चाहे तो इसको मैदे से भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहे तो सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं। उसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए 3 से 4 इलायची के दाने, और उसी के साथ मैं यहाँ 1/2 छोटा चम्मच डाल रही हूँ कुटी हुई सौंफ। सौंफ आप ज़रूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छे से कर लिया है मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे दूध। मैंने यहाँ सिंपल उबला हुआ दूध लिया है, ये हल्का सा गर्म है, बिल्कुल हल्का सा गर्म है। ज़्यादा गर्म दूध आप मत डालिएगा, जिससे इसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी। मैंने ये हल्का सा गर्म दूध लिया है, इसको हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसका एक पतला सा घोल तैयार करना है। मैंने हल्का गर्म दूध इसलिए लिया है जिससे इसमें जो सूजी डाली है वो जल्दी फूल के रेडी हो जाएगी। मैंने इसमें टोटल 1.5 गिलास दूध का इस्तेमाल किया है। घोल हमारा बन के तैयार हो गया है, इससे ज़्यादा गाढ़ा हम नहीं रखेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध का मलाई। आप मलाई की जगह खोआ या मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो दूध का मलाई तो हर घर में मिल ही जाता है। मैं आपको सिंपल जो घर में रखी हुई चीज़ों से बनाना बता रही हूँ, बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं। तो मैं इसको भी अच्छे से इसमें कर दिया है मिक्स, और अब हम इसको चेक करेंगे। तो आपको मैं बता देती हूँ, ये बस इतना गाढ़ा पेस्ट हमें चाहिए। आप चम्मच पे ऐसे डिप करोगे तो ये इसके ऊपर ऐसे कोट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बस इतना गाढ़ा हमें पेस्ट चाहिए। ये सूजी है तो रखने के बाद ये और थिक हो जाएगी। अब हम इसको 15 मिनट रेस्ट के लिए ढक के छोड़ देते हैं। सूजी हमारा रेस्ट ले रही है, तब तक हम चाशनी बना के तैयार करेंगे। मैंने यहाँ गैस पर एक कढ़ाई रखा है, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी चीनी। चीनी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने यहाँ 1 कटोरी चीनी लिया है, और जितना चीनी लिया है उतना ही मैं उसमें डाल रही हूँ पानी। यहाँ कोई तार वाला चाशनी नहीं चाहिए, बिल्कुल चिपचिपा चाशनी बना के, रसगुल्ले का चाशनी होता है वैसा चाशनी बना के हमें तैयार करना है। चाशनी में उबाल आ गया है, अब हम चाशनी को थोड़ा सा उबलने देंगे। 2 मिनट मैंने चाशनी को उबाला है, अब हम चेक करेंगे। तो मैंने गैस को थोड़ा स्लो कर दिया है, जिससे चाशनी ये ज़्यादा गाढ़ा ना हो। और अब हम चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा चिपचिपा चाशनी हमें चाहिए। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई तारवार नहीं आ रहा है, बस ऐसा चाशनी हमें चाहिए। इससे ज़्यादा गाढ़ा हम चाशनी नहीं करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 कुटी हुई इलायची के दाने, और उसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर। यह डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे हमारे मालपुए में कलर अच्छा आएगा, इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी इसको बना के तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ गैस को कर दिया है बंद, और यहाँ हमने जो घोल बना के रखा था उसको रखे हुए 15 मिनट हो गया है। अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले से थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। सूजी और आटा हमारा अच्छे से फूल के रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। मैंने यहाँ गैस पे रखा है एक भारी तले का पैन। आप कोई भी इस तरह का फैला हुआ बर्तन ले लीजिएगा, और उसमें मैंने डाला है घी। आप घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा घी डाला है, ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मैंने फ्लेम को कर दिया है बिल्कुल लो, और इस तरह का कोई कड़छी
या कटोरी कोई भी आप एक सेट कर लीजिए, उसी से हम नाप से इसमें बैटर डालेंगे, जिससे हमारा एक जैसा मालपुआ बनेगा। तो मैं इस कड़छी से इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे डाल रहे हैं ये अपना शेप अपने आप ले रहे हैं। इसी प्रकार में दूसरा मालपुआ भी इसी तरीके से बना के तैयार कर लूँगी। बैटर हमारा परफेक्ट बना है, इसीलिए ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छे से हमारा मालपुआ बन रहा है। अगर आप फैला हुआ पैन लोगे तो उसमें आप 3 से 4 मालपुए एक साथ बना के तैयार कर सकते हैं। और अब हम इसको टच नहीं करेंगे, इसको हम फ्राई होने देंगे। ये जैसे जैसे फ्राई होंगे ये अपने आप ऊपर आना शुरू हो जाएगा। मैं कड़छी से इसके ऊपर गर्म तेल को डाल रही हूँ, जिससे ये ऊपर से भी अच्छे से एक साथ सिक जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये तैर के ऊपर आ गए हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा मालपुआ बन रहा है। तो अब हम इसको उल्ट पलट करते हुए दोनों साइड से अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको बनाना फ्रेंड्स बहुत आसान है। एक बार आप मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब हम इसको उल्ट पलट करते हुए दोनों साइड से अच्छे से सुनहरा कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। गैस को आप बिल्कुल स्लो रखिएगा, जिससे ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। अगर आप गैस को तेज़ रखोगे तो ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो मैंने इसको दोनों साइड से अच्छे से कलर आने तक हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसको निकालेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ हमारा लाइट चला गया था तो यहाँ थोड़ा वीडियो क्लियर नहीं हुआ है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। मैं इसको छलनी में निकाल रही हूँ, जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाएगा। और अब हम इसको गरम मालपुए को गरम गरम चाशनी में हम डाल देंगे। यहाँ चाशनी हमारा हल्का गरम है, गरम चाशनी में ही हम इसको डिप करेंगे, जिससे ये अंदर तक चला जाए। अब हम इसी तरीके से सभी मालपुए को बना के रेडी करेंगे। मैंने बहुत ही आसान तरीके से फ्रेंड्स बनाना बताया है। अब हम इसको चाशनी में अच्छे से दोनों साइड से उल्टते पलटते हुए अच्छे से इसमें डिप कर लेंगे। और अब हम इसको 10 मिनट चाशनी में ही रहने देंगे। मैंने यहाँ सभी मालपुए बना के तैयार कर लिए हैं, और 10 मिनट के बाद मैंने यहाँ चाशनी से निकाल लिए थे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे हमारे मालपुए बन के तैयार हुए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा कटे हुए बादाम और गुलाब की पंखुड़ियों से हम इसको गार्निश करेंगे। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स लगा के इसको सजा सकते हैं। मैंने सिंपल घर में रखी हुई चीज़ों से बनाना सिखाया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं एक ऐसी नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।